वेलकम टू समर बेटर लिख रहे हैं। आज का जो केस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है हाइपोथर्मिया। आप इसको प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया के साथ डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। ये एक एनिमल है जो आप देख रहे हैं, बकरी। ये 4 मंथ की प्रेग्नेंट है। इसका टेम्परेचर नेक्स्ट आपको मैं दिखा दूँगा। लेफ्ट फ्लोर नॉर्मल थे, लेकिन बता रहे थे कि रात को डाइट की थी। ये एक ही कमरे के अंदर दूसरे एनिमल्स को भी रखा होता है। ये देख लो टेम्परेचर 97.8 है, फारेनहाइट है। तो बता रहे सुबह हमने आके देखा है तो ऐसे ही पड़ी हुई थी, शायद किसी और जानवर ने इसको मारा है। जब इसके टेम्परेचर मैंने नोट किया तो इतना तो जब पहले देख चुके हैं। तो फिर क्योंकि एनिमल की क्रिटिकल कंडीशन थी, इसलिए था कि अगर जो इंजेक्शन में इस्तेमाल करूँगा उससे जो है ना अबॉर्शन के चांसेस हैं, मे बी चांस है कि एनिमल की जान बच जाए। तो फाइनली ये मैंने इसको सपोर्टर ट्रीटमेंट किया। ये देख लें, आफ्टर ट्रीटमेंट खड़े होने से भी मुश्किल है। ये देख लें, खड़ा भी नहीं हो सकती। इस तरह से इसकी लेग्स जो है ना वो कांप रही है। ये देख लें, अब आफ्टर 7 to 8 आवर ट्रीटमेंट के बाद ये एनिमल खड़ा हो गया था और अबॉर्शन भी हो गई थी। ये देख लें, बकरी की जान तो बच गई थी लेकिन अबॉर्शन हो गई थी। ये देख लें आफ्टर ट्रीटमेंट इसकी जो है ना ये किस तरह से घास खा रही है, बॉडी भी सही कर रही है। फुल अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला है। थैंक यू, वेलकम।